कई बार लोग भोजन इतना करते हैं जितने की जरूरत नहीं है, करते ही रहते, रोज बढ़ाते जाते हैं। एक बार कोई पंडित जी गए निमंत्रण में, वहां इतना ज्यादा भोजन हुआ, बड़ी तेजी से दौड़ कर लौट कर आए, कहने लगे जल्दी खाट बिछाओ, जल्दी मैं खड़ा नहीं रह सकता, सौंप का खाट बिछाओ, खाट बिछाओ। तो उनकी बहू रोने लगी कि बेटी तुम क्यों रोती हो, काम तो इसलिए उन्होंने, हमारे तो भाग्य फूट गए जो हम ऐसे घर में आए, हमारे यहाँ तो वहीं से लदे आते थे खाट कर। एक बार गुरु और शिष्य दोनों गए भंडारे, दोनों ने डट के भोजन किया। अब गुरुजी चेले से पूछे कि बेटा खड़ा हूं देख कहां रखी है, तो चेले की भी वही हालत थी, तो ऊपर देखकर बोला महाराज ऊपर तो सब जगह देख लिए, नीचे हो तो हो, यह हालत है। कुछ लोग इतना सोते हैं, इतना सोते हैं, सोते ही रहते हैं। महत्व इसका नहीं है कि आप कितना खा सकते हैं, कितना सो सकते हैं, कितना इसका, आपको कितना सोना है, कितना खाना है, ये इसका भी ध्यान रहना चाहिए। और इसीलिए उचित मात्रा, हनुमान जी बोले मैं कहो तो रावण को मारा हूं, समुद्र लांगना तो मेरी लीला है, और ये जामवंत जी ने कहा बस यही गलत है, तुम काम तो करो पर राम जी के होकर कार्य करो। श्री हनुमान जी जब अयोध्या गए, द्रोणागिरी पर्वत लेकर भरत जी ने देखा बिना फल का बाण चलाया, और बिना फल का बाण हनुमान जी को लगा, तो किसी ने भरत जी से कहा कि बिना फल का बाण क्यों चलाते हो, हनुमान जी ने को बिना फल का बाण क्यों मारा, श्री भरत जी ने कहा इसलिए ताकि लोग देख लें कि बाण मेरे हाथ में है और फल भगवान के हाथ में है। हम जाग तो जाएं, हम कर्मठ हों, कर्म परायण हों, लेकिन भगवान के हाथ से नियंत्रित हो, यही हमारी विशेषता होनी चाहिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधन। श्री हनुमान जी ने जब ऐसी बात कही तो ऐसे ही लगता है कि एक आदमी के दांत में दर्द था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब दांत में बहुत जोर का दर्द है, पुराने समय की बात रही होगी, तब शायद शून्य करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो डॉक्टर ने कहा निकाल देते हैं, उन्हें बड़ा दर्द होगा, वो दर्द थोड़ा बहुत सहन करना। कहने लगा महाराज हिम्मत नहीं होती, डॉक्टर से कहा कि हमारी तो हिम्मत नहीं होती, डॉक्टर ने कहा तो एक काम करो, क्या कुछ नशा वशा करते हो, गांव का रहने वाला था, बोले हाँ थोड़ा बहुत तो करते हैं। तो उन्होंने अपने अस्पताल के सेवक से कहा कि इसको पिला तो नशे में निकलवा लेगा, बात तो ठीक थी, उसे पिलाया तो कहा दांत निकलवाने की हिम्मत आई, का थोड़ी थोड़ी आई, डॉक्टर ने कहा जरा अच्छी तरह पिलाओ, उसको पिला दिया। अब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी दांत निकलवाने की हिम्मत आई, तो उठकर बैठ गया, बड़ी बड़ी मूंछों पर हाथ घुमाते बोले देखें किसकी हिम्मत है जो हमारे साथ। डॉक्टर ने अपना माता पिता किससे पहले ही अच्छा था। तो कई बार हम लोग जाग जाए तो ऐसे ना जाग जाए, हनुमान जी ऐसे जाए।